हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए अविलंब जमा करवाने हेतु सांकेतिक कार्मिक धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस धरने पर हर रोज धर्मशाला की जनता अपनी मांग के समर्थन में बैठ रही है तथा सरकार से गुहार लगा रही है कि धर्मशाला परिसर का निर्माण कार्य अविलंब शुरू हो। इस कड़ी में आज जदरांगल की महिलाओं ने धरने की बागडोर को थामा। धरने पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखू से अविलंब पैसा जमा करवाने की गुहार लगाई। यह बात उन्होंने एक पहाड़ी गीत के माध्यम से साझा की। हमारा धरना सिर्फ इसलिए ही है कि 30 करोड़ रुपया सरकार जमा कराए और जो सीओ का जदरांगल कैंपस है उसका काम शुरू कराए। सर, अगर विचाराधीन नहीं करती है सरकार तो कब तक लंबा रहेगा ये धरना? ये अभी कंटिन्यू चलेगा, अभी तक तो संकेतक है, हो सकता है कि उसके बाद इनडेफिनेट हो जाए। क्या लेट लतीफी का कारण लगता है सर, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस बात पर? ये तो अच्छा सरकार ही बता सकती है, लेकिन इतना ठीक है कि देरे का पैसा जमा हुआ, वहाँ काम शुरू हो गया है, टेंडर दोनों तरफ का इकट्ठा ही वार्ड हुआ है, लेकिन धर्मशाला के लिए पैसा क्यों नहीं सरकार जमा करा रही है वो ही बता सकते हैं। सर, भाजपा की भी सरकार रही एक साल, कांग्रेस की सरकार भी रही, दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं इस मामले में नाकाम साबित हुई हैं। बिल्कुल, ये दोनों सरकारों को, क्योंकि 2009 से ये मामला लटका हुआ है, 2019 तक तो ये दोनों तरफ फुटबॉल की तरह चलता रहा, दे रहा धर्मशाला। 19 में तत्कालीन जो सेंट्रल मिनिस्टर थे HRD मिनिस्टर, उन्होंने इसका दोनों मतलब परिसर का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था, और उसके बाद जो देरा की क्लियरेंस है वो आ गई, देरा का जो है फर्श का जो पैसा जमा था वो करा दिया, अवार्ड जो है वो पिछले 2022 का हो चुका है, दोनों तरफ का ठेकेदार ने सामान जदरांगल में रख दिया, वहाँ कैंपस का काम शुरू हो गया, और यहाँ जो 30 करोड़ रुपया जमा कराना है लगभग 10 महीने पहले क्लियरेंस आ चुकी है, और सरकार जो 30 करोड़ के लिए आना कानी कर रही है।